हेलो हाय नमस्कार और पहला उत्तराखंड एक बार फिर से आप सभी के बीच। और इतना प्यार जो आप लोग देखते हैं देते हैं, बड़ा मजा आता है सच में। तो आज बहुत ही खास मेहमान नहीं कहूंगा, मेरे स्टूडेंट और बहुत अच्छा एक पैरा एथलीट, नेशनल मेडलिस्ट, एक क्रिकेटर भी, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा इंसान बनने की कगार पे है। जो कगार पे इसलिए कहा क्योंकि अभी चल रहा है वो, है ना, अभी तो बाल्यपन है, न जाने कहाँ टर्न होगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं लेता और ये इनको भी पता है। हाय नागेंद्र, कैसे हो? आई यू इज वेल, अच्छा से। फिलहाल हम डिस्टेंस पे हैं तो आप मास्क हटा सकते हैं, विंडोज भी मैंने इस तरफ वाली खोल दी, मेरे साइड वाली, ठीक है, ओके। तो नागेंद्र, बड़े दिनों बाद मिले यार, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, अपने स्कूल को बहुत टाइम देखा, काफी सारे चेंजेस हैं तो बहुत बहुत सारे बढ़िया चेंज है लगा। ना, और मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि प्यार से हम इनको डॉक्टर साहब बुलाते हैं और हमारी टीम में ये डॉक्टर साहब के नाम से बड़े फेमस हैं। तो कितने महीनों बाद आ रहे हो आज स्कूल? सर मैं स्कूल 9 सवा 9 महीने बाद आया हूँ। 9.25 महीने बाद। और आज किस काम से आए हो आप? सर मैं लैपटॉप और तबला लेने के लिए आया था आज। लैपटॉप और तबला लेने के लिए? तो ऑनलाइन क्लासेस मतलब चल रही है लगातार? हाँ जी सर। ओके। अब मुझे एक चीज बताओ नागेंद्र, जब आप आए यहाँ पे और इतने दिनों बाद, अभी तक ऑनलाइन में आपके कई सारे क्वारीज आती थी, है ना, बिल्कुल कई सारी सर। चीजें आपको लगता था यार स्कूल खुलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी आप एक डिस्टेंस कवर करके आए हो, तो अब क्या लगता है आपको, क्या मनस्थिति आई उसमें और इसमें, क्या लगा आपको? सर ऑनलाइन में तो ऐसा लगता था कि ऐसे एक अपने टीचर से किसी से इंटरेक्शन आमने सामने हो नहीं पाता था, खिड़की से बात कर रहे हैं बिल्कुल, दूर दूर से। अक्सर मैं अब खिड़की कक्षा कहता हूं उसको। बिल्कुल अब सबसे हम रूबरू है आमने सामने, तो बहुत बढ़िया लगा सर मिलकर सबसे। तो आज अभी जब आप बाहर आए थे और जिस तरह से आप आए और सभी से मिले, आपके चेहरे पे दूर से ही मुस्कान थी और जैसे ही आपकी नजर गई, क्योंकि मैं सबको बता दूं, मैं बता सकता हूं ना ये बात, हाँ जी बिल्कुल सर, आप बी कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? B2। B2 यानी कि पार्शली साइटेड हैं। जब इनकी साइट में हम आने लगे बाहर, जब खड़े थे तो इनके कदम अपने आप तेज हो गए थे और चेहरे पे मुस्कान पड़ गई थी, वो क्या था? सर वही बहुत टाइम से मिले नहीं, और अपने टीचर्स को जिनसे हम पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं आगे भी पढ़ते रहेंगे, तो उनसे इतने लंबे टाइम मिलना सर अपने आप में एक खुशी की बात है, गर्व की बात है। क्या बात है। और आज जब हम दोनों बात कर रहे हैं और ये बात जब सबके पास जाएगी, तो जब क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी देखेंगे, तो उनके मन में आपको क्या लगता है, बीइंग अ फ्रेंड, उनके साथ में आप रहते हो, उनको कैसा लगने वाला है? उनको थोड़ा सा जेलस फील होगा हाँ, कि वो इतने दूर हैं, मैं स्कूल में हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, बिल्कुल जो चेंजेस हैं वो मैं खुद देख रहा हूँ, खुद बिल्कुल महसूस कर बिल्कुल। रहा हूँ, वो वीडियो में ही देखते हाँ, हैं और थोड़ा उनको सा। उनको शायद ये लगेगा यार ये बाजी तो ये मार ले गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नागेंद्र, आप क्लास 12th में हैं अभी, हाँ जी सर। आपकी सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है एग्जाम्स और बोर्ड सर की? तैयारी काफी बेहतर चल रही है तैयारी ओके। तो, हाँ मतलब खैर यहाँ पे तो स्कूल में वो तो पढ़ने के लिए स्कूल है, पढ़ाने के लिए टीचर्स बिल्कुल है, टीचर्स बिल्कुल। तो हमें मिल जाते हैं, स्कूल नहीं मिलता, लेकिन पेंडेमिक ऐसा है कि हमें घर पे रहते जितना बेहतर हमसे हो सकता है उतना कर रहे बेहतर हैं। करना चाहिए। तो आज आप तबला और लैपटॉप लेने आए हैं ना, ये आपको स्कूल प्रोवाइड करा रहा बिल्कुल सर, है ना, संस्थान की बहुत तरफ से जब आपको ये यस सर, मिलता है बिल्कुल और स्कूल प्रोवाइड करा था उस चीज को, अब ये आपको कितना हेल्प करने वाला है? सर, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, खासकर तबला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम म्यूजिक में थी हाँ, और आपका सर। शायद म्यूजिक सब्जेक्ट है ना। बिल्कुल सर, तो ये काफी हेल्प करेगा तबला घर पे। अभी ओके। 3 साढ़े 3 महीने हैं प्रैक्टिकल होने के लिए, तो हम कवर कर सकते हैं। कर सकते हो। बिल्कुल वापस सर। आते हैं, थोड़ा सा खेल की दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स रूम में आप बैठे हुए इस वक्त, जब आप पहली बार अभी स्पोर्ट्स रूम में घुसे तो कैसा लगा? जब पहले गेम्स पीरियड में अक्सर आते थे, सुबह शाम की प्रैक्टिस में आते थे हम लोग, आज इतने टाइम बाद जब पहली बार अभी अंदर बढ़े तो कैसा लगा नागिन? मैं जैसे नॉर्मली जब आता था, जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, सब कुछ नॉर्मल था, तो मैं सीधा अंदर आता था, लेकिन इस बार जैसे ही मैं अंदर आया मैंने चारों ओर देखा, देखा बिल्कुल, मैं वो तो चीज आपके चेहरे पे देख रहा था, आप बिल्कुल चारों तरफ पहले देखने लगे, गुमसुम से हो गए बिल्कुल, है ना। फिर देखा कि सब कुछ वैसा ही है। और जब मैं गोल राउंड पे आया तो मैंने चारों ओर देखा, वहां थोड़े चेंजेस है गोल राउंड में, अंदर हाँ एक छोटा सा बिल्कुल, गोल राउंड वहां छोटा आपको कर काफी दिया। चेंजेस मिले होंगे जो मैंने कवर भी किए थे पीछे, हाँ है जी, हाँ जी सर। ना। तो आप पूरा गोल राउंड सबको बता दूं जो देखने वाले और सुनने वाले हैं, कि गोल राउंड हमारा हमारी वो स्थली है, हमारी वो जगह है जहां से हम नेशनल मेडल लेके आते हैं, यानी कि अपनी सारी तैयारी करते हैं ना बिल्कुल, नागेंद्र। ये हमारी सुबह वहीं से होती है गोल राउंड बिल्कुल। से। अगर अभी स्पोर्ट्स में वापस आते हैं, तो आप एक नेशनल मेडलिस्ट हैं, है हाँ ना, जी सर, स्प्रिंट करते हैं हाँ आप, जी सर, है ना, आपका इवेंट अगर मैं देखूं तो 200-400 मेन इवेंट आप करते हैं, बिल्कुल सर। तो अभी आगे कहां तक देखते हैं स्पोर्ट्स को आप सर मैं आने वाले टाइम में? पैरा स्पोर्ट्स में अगर मैं अपनी बात करूँ तो
मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, पर एथलेटिक्स में मेडल जीतूँ इंडिया के लिए, और आगे कंटिन्यू स्पोर्ट्स रखूँ, अपना प्रोफेशन स्पोर्ट्स को बनाऊँ, कोशिश करूँ कि अपना जो करियर है वो भी स्पोर्ट्स में देखूँ। क्या बात है। और हाल ही में अभी आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव भी मिला, जो आपके नेशनल मेडल थे उस सर ये पर सब कुछ ऐसी चीजें जो हमें प्रोत्साहित करती है आगे प्रोत्साहित स्पोर्ट्स करते खेलने हैं। के लिए। बिल्कुल, तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार और खासकर खेल विभाग है ना, जो खेल विभाग है उत्तराखंड का, उसको धन्यवाद कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सर, ये क्यों नहीं। बहुत आप बहुत हेल्प मिलती और है मैं इसमें बता दूं कि मेरे हमारे को। बहुत सारे पैरा एथलीट्स कम से कम कितने थे, 11-12 के आसपास थे, बिल्कुल जिनको इंसेंटिव मिला इस वक्त। सो थैंक यू खेल निदेशालय उत्तराखंड, और मैं इसलिए रूबरू हुआ हूँ नागेंद्र से, जो खुद एक पैरा एथलीट है और इंसेंटिव रिसीवर भी है इस बार का। तो आने वाले टाइम में नागेंद्र, अगर मैं कहूँ कि कुछ उम्मीदें अगर आपको हैं सरकार की तरफ से, इन द सेंस कि कुछ पॉलिसीज, आप ऐसा कुछ लगता है आपको कि ऐसा आने से यार अच्छा हो जाता। मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए कि पैरा एथलेटिक्स के लिए एक अलग से स्टेडियम या ग्राउंड बनाए, क्योंकि जो वीआईए एक्सक्लूसिव है ना। वो तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली और भी कैटेगरीज हैं उनके बिल्कुल लिए इक्विपमेंट आए, और जो पॉलिसी है अभी तो काफी बेहतर है, बिल्कुल, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आने वाले टाइम दिल्ली में और भी आएंगे। हरियाणा और अच्छी हैं उनकी तरह। क्या बात है, क्योंकि अभी काफी सारे चेंजेस आए हैं और बेहतर हो रहा है, जैसा कि नागेंद्र ने भी बताया, वो स्पोर्ट्समैन है खुद और अभी 12th में है। इसके बाद आप मेरे ख्याल से चूज करोगे कॉलेज के लिए, हाँ बिल्कुल है सर, ना, कॉलेज के लिए चूज करोगे, तो ज्यादातर लोग दिल्ली जाते हैं, है ये ना, सही है सर, ज्यादातर ये लोग वीआई का रहता है। वीआई का ज्यादातर है, वीआई यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हैं वो ज्यादातर दिल्ली जाते हैं। क्या खींचता है दिल्ली, दिल्ली में ऐसा क्या है जो सबको दिल्ली खींचता है। सर वैसे तो बच्चों को ज्यादातर खींचता है वो दिल्ली में, एक तरह से अवेयरनेस है, सारे वहीं जाते हैं, और दूसरी बात एक पुरानी कहूँ धारणा ऐसी कुछ बनी हुई है दिल्ली में, हालांकि अब चेंजेस आ रहे हैं काफी सारे, बिल्कुल, अब तो लेकिन फैल रहे हैं, अब तो हर जगह जाने लग गए हैं ना लगभग, बिल्कुल सर, पर एक पुराना सा बना हुआ है माइंड में थिंकिंग, बस वही, और तो कुछ ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से। और कुछ ज्यादा है नहीं। यस ओके, तो नागेंद्र सबसे पहले तो यार अभी हम मिडिल में हैं, तो सबसे पहले आपको आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस यहीं पे दे देता हूं मैं, और साथ ही अच्छा करो जो भी करो, बहुत अच्छा करो, है यस ना। सर, तो नागेंद्र चलो कुछ चटपटा सा हो जाए, कुछ अलग सा खेलें, फिर हाँ जी तैयार हाँ हो जी मेरे साथ बिल्कुल खेलने के बिल्कुल लिए। सर। अच्छा स्कूल कब खुलने चाहिए, जल्दी जल्दी बोलना है। स्कूल जब भी एग्जाम हो उससे 1.5 महीने पहले सर। 1.5 महीने पहले आप चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। यस चलिए ये तो डिपेंड करेगा सरकार और संस्थान पे, ठीक है। बिल्कुल सर, तो खाने में क्या अच्छा लगता है, सादा खाना। सादा खाना अच्छा लगता है। यस इन 8-9 महीनों में जब बंद हुआ तो आपके टेस्ट में कुछ बदलाव आया खाने के मामले में। टेस्ट में कुछ खास बदलाव नहीं आया, बस घर में और सादा खाने में खाने लग क्या गया। बात है, और सादा खाना खाने लग गए। अगर यस फिटनेस की बात करें तो मैं आपको फॉलो भी कर रहा था और सभी को देखता रहता हूँ, और आप लोग वर्कआउट भी आप कर रहे हो ना घर पे, कितना अंतर है एक कोच के साथ में वर्कआउट करना और इस तरह से वर्चुअली वर्कआउट करना। सर, काफी अंतर है, क्योंकि जो पैरा एथलीट होते हैं उनको ट्रेन आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है बिल्कुल। उनको, जैसे मैं तो वीआई हूँ, मेरे को आपको टच भी कराना पड़ता है, वो सब चीजें हैं, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ है, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, जैसे हम सुबह शाम करते थे तो घर में मॉर्निंग में कर रहे हैं, वीक में इवनिंग में 1 या 2 बार ही हो पा रहा है, ये सब ओके चीजें है बस। ओके, अभी अगर आपको जैसे ही ये पैंडेमिक मान लो आज खत्म हो रहा है, मान लो, ठीक है, मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, एक पहला ऐसा काम जो आप करना चाहोगे। पेंडेमिक जैसे ही खत्म होता है हम स्कूल में आते हैं, सबसे पहले तो सुबह अपने प्रैक्टिस से ही होता है, बाकी अभी तो खैर 12th में तो पढ़ाई भी है, ओके तो क्या बात है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो करोगे ही करोगे, है यस ना, सर वो तो स्टूडेंट हो है। तो पढ़ाई तो मेन है। यस सर, ओके एक जो आपके बाकी साथी लोग जो इस वक्त खिड़की कक्षा में व्यस्त होंगे, है ना, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज एक लाइन में देना है आपको, हाँ? क्या क्या दोगे जल्दी, मैं यही दूंगा, कभी स्कूल आओ और मेरी तरह मजे लो। क्या बात है, मतलब यूं ही मिलो और मुस्कुराते रहो, बड़े दिनों बाद, है ना, यस सर, लेकिन सारी गाइडलाइंस को फॉलो बिल्कुल करते सारे हुए। प्रिकॉशन को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी जब यहाँ आए होंगे तो आपको 2-3 जगह सैनिटाइजर दिखा होगा, है हाँ ना, बिल्कुल सर, तो आपने गौर किया उस बात का, यस सर सैनिटाइजर यूज किया ना, यस सर बिल्कुल सर, क्या बात है। तो ये होता है एक समझदार, एक स्टूडेंट है जो कि अब आने वाले टाइम में एक समझदार सिटीजन बनने जा रहा है, क्योंकि 12th में अभी। चलो और एक आगे बढ़ते हैं, अगर पेंडेमिक आज कल खत्म हो जाता है और आपको कहीं घूमने का मौका दिया जाता है, कहाँ जाना पसंद करोगे। मसूरी इस वक्त मसूरी, क्या बात है, मसूरी दोस्तों के साथ या अकेले। दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ, यानी कि अगर स्कूल का ट्रैक हो जाए तो और मजा आएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल बंच मिल जाएगा आय पूरा। हाय हाय, फिर तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना। यस सर
मैस में अगर आपको एक दिन का मौका दिया जाए, मैस में आपको मेन्यू डिसाइड करने का, पहले दिन में बिल्कुल खुलते ही क्या बनाना पसंद करोगे? बनवाना पहले दिन में मैं तीन चीजें जल्दी। बॉयल चिकन हाँ और एक हरी सब्जी, हरी सब्जी। हाँ और सुबह में हल्का सा ब्रेड बटर। भाई, जो खाने वाले हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पर NIPVD यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में जो रहते हैं, यहाँ के हॉस्टल में खासकर, वो देख लो क्या बनवा रहा है आपके लिए। और एक मौका अगर आपको दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ कल के दिन में एक मौका है, आप घूमना पसंद करेंगे या फिल्म देखना पसंद करेंगे? जल्दी मैं घूमना ही पसंद करूंगा। घूमना पसंद करोगे। उसके बाद में अगर आपको एक मौका दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप यहां से कहीं बाहर जाके एक दिन अपने तीन दोस्तों के साथ मजे कर सकते हो, तीन दोस्तों का नाम जल्दी बताओ। मैं तीन दोस्तों के साथ मजे कर सकता हूँ। एक मेरा दोस्त राउफ राउफ, ओके। जे हाँ एन कश्मीर में, एक हाँ मेरा छोटा दोस्त आयुष सोनी जो अभी भोपाल में है, ओके। और एक मेरा दोस्त शिवम नेगी। शिवम नेगी। भाई बाकी लोग जितने इसके साथ घूमते हैं ना, वो देख लो, आने के बाद पकड़ लेना इसको, ठीक है? अच्छा, और एक चीज, अगर आपको एक मौका दिया जाता है पार्टी देने का, पार्टी में आपको बोला जाता है कि सिर्फ पांच लोगों को बुलाना है, अब बताओ, दोस्तों तीन दोस्तों को छोड़ के, जो आपने को नाम लिया इनको छोड़ के पांच लोगों को आपको बुलाना है, पांच लोग को बुलाने बिल्कुल सिर्फ फ्रेंड्स पांच, जल्दी ही। कहीं से भी बुला सकते हैं, सिर्फ पांच लोग, सिर्फ पांच लोग का है ना? ओके, हाँ एक मैं बुलाऊंगा नीरज चौहान अपने दोस्त, ओके। और और जो हमारा मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, विकास हाँ, शर्मा, सौरभ शर्मा, विकास शर्मा, सौरभ शर्मा, विकास चौधरी, विकास चौधरी। आपको अच्छा, मैं भी हो हूँ, गए क्या मेरे खाते बात है। चलो भाई, पांच। मेरा तो हो गया इंतजाम, तो फिलहाल ये मुलाकात और ये बात यूं ही चलती रहेगी। आप लोग जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। नागेंद्र, जाते जाते एक डॉक्टर साहब कहूंगा मैं, डॉक्टर साहब जाते जाते एक संदेश सोसाइटी के लिए और एक संदेश अपने दोस्तों के लिए। सोसाइटी और दोस्तों के लिए संदेश है, आप जहां भी जाएं, जहां भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और जितने पेंडेमिक के प्रिकॉशन है वो सब लेते रहें। क्या बात है, थैंक यू नागेंद्र हमसे बात करने के लिए, और आपसे ये मुलाकात फिर यूं ही चलती रहेगी, फिर कुछ बातें होंगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक आप पूरे मजे लीजिए, हम भी लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू।